मतलब आपको सच में प्यार हो गया है? यानी कि मैं बागर बिल्ले को बागर जीजा करके बुलाऊंगा? बताओ ना कि आपको सच में ऐसे से उसे प्यार हो गया है? साहिल, चलो तो फिर जब भी मैट देखते हैं, क्योंकि जब मुझे प्यार होता है तभी मुझे जब भी मैट देखने का बहुत मतलब है। अब आपको भी प्यार हुआ है तो साहिल चुप करना, क्या 2 रुपीस पीपनी की तरह बजा जा रहा है? कुछ मत बोल अब तू। मैंने क्या बोला? बोला तो आपने था जब शिवाय सिंह ओबेरॉय बेहोश हो गए थे। अभी अभी तो मुझे पता चला कि मुझे आपसे प्यार हो गया। I love you, शिवाय। तो कुछ भी बोलती रहती, 2 रुपीस जुबाने में फिसल गई होगी। मतलब मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्यार बहुत खतरनाक चीज है। क्या? हाँ सर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, बस प्यार से लगता है। क्योंकि प्यार बहुत रक्त फैलाता, बहुत दर्द देता, आदमी को बहुत कमजोर बना देता। आज तक मैंने सिर्फ तुझसे प्यार किया और तू मेरी कमजोरी। किसी और से प्यार, किसी और के साथ बनने की, किसी और को अपनी कमजोरी बनाने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। मैं शिवाय से प्यार नहीं कर सकती सर। मैं सोचता रहा कि मेरी अनिका दीदी बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकती है। जब सब प्यार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकती हो। तू समझ नहीं रहा सा, प्यार मेरे लिए नहीं। अगर ये रहता फैल गया तो समझना बहुत मुश्किल हो जाए। तुझे पता, जब मैं शिवाय के साथ थी और उनकी हालत खराब थी, अगर वो मर जाते तो प्यार करने वाली छोड़कर चले जाए तो बहुत दुख होता है। मुझे तो हर कोई छोड़ चला जाता है। दीदी, ना मैं खुद जाऊंगा और ना ही ऐसे लोगों को कहीं जाने दूंगा। उनको ऐसी रस्सी से बांध के रखूंगा वो कभी भी कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे। आप उनसे प्यार करके तो देखो, ट्राई तो करो। जल्दी जाओ और बोल दो उन्हें कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मेरा और उनका कोई मेल ही नहीं है। मैं समीर तो वो आसमान, उनके लिए कुहू खांदा से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मेरे पास तो पापा का नाम भी नहीं।
मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन चीजों शिवाय अपने हर रिश्ते की बुनियाद वो बुनियाद ही नहीं है मेरे पास। जिस आदमी को दुश्मन तक गंदा नहीं चाहिए वो जैसी लड़की के साथ कैसे प्यार करेंगे? मुझसे प्यार करने के नाम से बिचबिची मचेगी। तो अब क्या करूंगी? मैंने सोच लिया, मैं उनसे दूर रहूंगी। इतने दिनों से उनके साथ रह रही थी ना, तो उनकी आदत सी हो गई थी। उनसे दूर रहूंगी, उनकी हवा नहीं लगेगी तो प्यार का सुखम अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत ही घटिया और 2 रुपीज वाला आइडिया है, फिर भी आप चाहो तो ट्राई कर लो। शिवर क्यों करे? इसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं तुम्हें बुखार तो हुआ है ना? प्यार का बुखार। फिल्म मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे ले जाओगे ना वो फिल्म दिखाने? उसके साथ साथ मिस्टर बागर बिल्ले भी देख लेंगे वो फिल्म। शिवाय ऐसी पिक्चर नहीं देखते? नहीं, कौन सी पिक्चर है? कोई पिक्चर नहीं है, ये पागल है, ये कुछ भी बोलता है। आप छोड़िए ना, आप रहने दीजिए। एक सेकंड। अब आपको पता है वो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस फिल्म की जो हीरोइन है ना वो बहुत अजीब लैंग्वेज में बात करती है। एक सेकंड। और जो हीरो है ना वो तो एक नंबर, हर समय तड़ी मारता रहता है। आपको वो पिक्चर देखनी पड़ेगी, मैं टिकट बुक करता हूँ। कौन सी पिक्चर है? मुझे भी देखनी है। सुनो, ए दोनों भाई बहन, सर्टिफाइड पागल है।